सुकांता मजुमदार। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, सारे दिन बैठे रहने के बाद अभी मौका। माननीय सदस्य पहली बार चुन के आए, बोले बंगाल से ना आप? हाँ हाँ, पहली बार चुन के आए हैं। जिंदगी का पहला चुनाव था, जिंदगी में कभी चुनाव लड़ने का मुझे ये नहीं मिला, तो धन्यवाद, बोलने का मौका मिला। भूखे रहे, बैठे रहे कि बोल के ही खाना खाना है। तो एक मिनट और एक्स्ट्रा दिया आपको इस बार। तो मैं जो बोलना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय अर्थमंत्री जी जो निर्मला सीतारमण जी, उनको धन्यवाद और उनको शुभकामनाएं कि उन्होंने पहली फुल टाइम फिनेंस मिनिस्टर होकर अपना बजट पेश किया। और तो मैं सारी बातें अभी तक हो चुकी है, पहले मैं जानना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि स्कीम पर जो इस बजट में आया और उसके वोट से पहले भी चालू हो गया, लेकिन आपको पता है माननीय अध्यक्ष महोदय, देश का सब कुछ स्मूथली चलता है तो जब पश्चिम बंगाल में जाते हैं तो वहाँ पे स्पीड ब्रेकर में जाके अटक जाता है। तो ये सम्मान निधि का जो बात है, ये पैसा हम लोगों को, किसानों को अभी तक नहीं मिला, क्योंकि वहाँ से जो लिस्ट आना था वो लिस्ट नहीं आता है, यही प्रॉब्लम है। तो पश्चिम बंगाल के जो किसान हैं वो बहुत दुखी है, तो उनको अगर इसके सहायता मिल जाए, जो हमारे दोस्त उधर बैठते हैं अभी नहीं है, तो उनको अगर दया आए कृषकों पर तो उनको जिंदगी में आसानी होगी। दूसरी बात जो बोलना चाहते हूँ अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, अगर बंगाली बात करें और माछ के बारे में यानी फिश के बारे में बात नहीं करें तो बंगाली नहीं है। प्रधानमंत्री जी ऐसे वेजिटेरियन है, वो मछली नहीं खाते, हम तो खाते हैं, लेकिन अच्छा लगा कि उन्होंने ना खाऊंगा ना खाने दूंगा ये यहाँ पे इम्प्लाई नहीं किया। और हमें ये जो विभाग उन्होंने बनाया है, और इस विभाग में 805 करोड़ का पैसा जो इसमें उन्होंने दिया है, और इस तरह के मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो संसदीय क्षेत्र है बालूरघाट, जो उत्तर बंगाली क्षेत्र बंगाल क्षेत्र में आता है, ये बालूरघाट बहुत ही फेमस है फिशेस के लिए। गंगारामपुर बोल के एक जगह है जहाँ के फिशेस थ्रू आउट द नॉर्थ बंगाल में मिलता है। आप सिलीगुड़ी में जाएंगे, कभी मैं वहाँ पे पढ़ाता था, तो वहाँ पे भी मछली जो मिलेगा बोलेगा गंगारामपुर का मछली है। तो ये अगर वहाँ पे एक रिसर्च कम प्रोडक्शन सेंटर खुलवा दिया जाए तो वहाँ के जो फिशरीज के लोग हैं उनको बहुत सुविधा होगी। महोदय, दूसरी जो तीसरी जो बात जो मैं बोलने जाता हूँ कि मेरे जो एरिया है ये एग्रीकल्चरल बेस्ड एरिया है, वहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री नहीं है। जो लोगों को इनकम होती है वो पूरी इनकम जो वेजिटेबल्स है, जो फ्रूट्स है, उससे ही आती है। तो इसलिए, लेकिन वो जो वेजिटेबल्स है उसको अगर कुछ समय के लिए वो रख पाए तो इसके लिए कोल्ड स्टोरेज की बहुत ज़रूरत है। अगर कोल्ड स्टोरेज का इंतज़ाम उधर किया जाए तो वहाँ पे जो किसान हैं उन किसानों का बहुत बहुत काम में सुविधा होगी। सो इसके बाद जो मैं बोलना चाहता हूँ कि जो ये 10,000 से ज़्यादा भी फार्मर्स न्यू प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, उसके लिए मैं सरकार के धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। लास्टली, जो रूरल डेवलपमेंट के लिए जो बनाया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय शुरू हुआ था प्रधानमंत्री सड़क योजना। मैं कभी मेरे घर पे के पास एक स्कूल में नौकरी करता था, मेरी जिंदगी की शुरुआत स्कूल से, नौकरी से हुई थी। तो अभी मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, तो स्कूल में जब जाता था तो वो लोग बोलते थे हमें कि मैं जब बारिश के समय आता था तो वो जो टीचर्स लोग थे, जो सीनियर्स थे, वो हफ्ते में दो दिन आते थे स्कूल में, बाकी समय स्कूल नहीं आ पाते थे क्योंकि आने का जाने का कोई रोड नहीं था। तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब 2004 में वो शुरू किया प्रधानमंत्री सड़क योजना, उसके बाद उस स्कूल तक रास्ता पहुंचा और टीचर जाने लगे, इससे ये जो रूरल डेवलपमेंट है, ये रूरल डेवलपमेंट में तेजी आई। तो ये रूरल डेवलपमेंट का जो बात है, हमारा जो क्षेत्र है उसके बारे में अगर बात करें कि वहाँ पे जो पैसा अलॉट होता है, आपको तो सबको पता है लॉकेट जी ने फेमस कर दिया कट मनी। तो ये कट मनी इशू के कारण जो रोड बनते हैं वो कुछ दिन बाद ही वो रोड नष्ट हो जाते हैं बारिश के बाद। तो अगर मिनिस्ट्री से, अगर रूरल डेवलपमेंट से वहाँ पे कुछ ज़्यादा फंडिंग की बात हुआ तो वहाँ पे आसानी होगी। इसके साथ आप सबको धन्यवाद देके मैं मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूँ।